तो पहले विद्यार्थी अलंकार के भेद हो गए तीन प्रकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। जहां किसी शब्द के अर्थ से काव्य की शोभा में वृद्धि हो जाए अर्थ अलंकार कहलाता है। तीसरा है उभय अलंकार। जैसे मैंने बताया उभय का अर्थ होता है दोनों, तो इस शब्द में इसका अर्थ छुपा हुआ है, अर्थात दोनों अलंकार, दोनों अलंकार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से काव्य की शोभा में वृद्धि हो जाए वह उभय अलंकार कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में जिन अलंकारों को सम्मिलित किया गया है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और पाठ्यक्रम में निर्धारित जो अलंकार है उन अलंकारों में सबसे पहले हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अलंकार जो कि व्यवहारिक व्याकरण का मुख्य बिंदु है और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित अलंकार हैं उनमें पहला है अनुप्रास अलंकार। तो आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानकारी लेंगे। अनुप्रास अलंकार यदि हम अनुप्रास की बात करें तो अनु प्लस प्रास। अनुकार होता है बार बार, बार बार यानी आवृत्ति, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अतः सीधा साधा अर्थ कि वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो इसी आधार पर हम यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो अनुप्रास की परिभाषा जहां काव्य में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार, हम अनु भी बोल सकते हैं, बार बार भी, आवृत्ति भी। जहां काव्य में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो सीधी साधी परिभाषा, जहां काव्य में एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार कहलाता है। मैंने कहा इस अनुप्रास में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अनु यानी बार बार और पराचयन वर्ण, अर्थात वर्ण बार बार आए, और वो वर्ण एक भी हो सकता है तो एक से अधिक भी हो सकते हैं। उसी आधार पर परिभाषा, जहां काव्य में एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति आवृत्ति बार बार हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। हम उदाहरण लेते हैं,
रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में एक विशेष चीज दिखाई दे रही है और उसी विशेष चीज के कारण ये पंक्ति पढ़ने वाले को अपनी ओर आकर्षित करती है। और वो विशेष चीज क्या है? रेवर। कौन सा वर्ड? रेवर। एक दो तीन चार, यानी कहने का तात्पर्य इसमें रेवर्ण की आवृत्ति हुई है और इस रेवर्ण की आवृत्ति के कारण इस पंक्ति की या इस रचना की शोभा बढ़ गई, इसने पढ़ने वाले को अपनी ओर आकर्षित किया, इस काव्य पंक्ति का सौंदर्य बढ़ गया। अब हम बात करते हैं अलंकार के भेद की। तो अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः चार भेद हैं। वैसे पांचवा भेद लाट अनुप्रास भी माना गया है, लेकिन हम अपने पाठ्यक्रम के आधार पर इन चार भेदों के बारे में जानकारी लेंगे। पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास की यदि परिभाषा की बात करें तो जहां काम शक्ति है, जहां काव्य में एक या एक से अधिक अधिक वर्ण की आवृत्ति आवृत्ति केवल दो बार हो, केवल दो बार हो। वर्ण की आवृत्ति तो होगी, एक वर्ण की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी आवृत्ति केवल कितनी बार होनी चाहिए? दो बार। कहने का तात्पर्य उस काव्य रचना में या उस काव्य पंक्ति में वर्ण जिसमें छह अनुप्रास है उसमें केवल दो बार वर्ण आनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी। भयंकर भारी, अब इसमें अनुप्रास का उदाहरण तो है क्योंकि वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन यदि हम इसी में से अनुप्रास का भेद निर्धारित किया जाए तो परिभाषा के अनुसार क और भ वर्ण की आवृत्ति, क और भ वर्ण की आवृत्ति एक दो, एक दो, यानी क वर्ण की आवृत्ति भी दो बार और भ वर्ण की आवृत्ति भी दो बार। और हमारी परिभाषा यही कहती है जहां काव्य शक्ति में एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति केवल दो बार हो तो वह छेक अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और इसके उदाहरण के रूप में कानन कठिन भयंकर भारी। फिर हम आगे बात करते हैं नंबर दो, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास जहां काव्य पंक्ति में
जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति। बार बार हो क्या कहलाता है? ब्रेथ के अंदर क्रॉस कहलाता है। यदि चेतानुक्रास की बात करें तो व्रण की आवृत्ति तो होगी, लेकिन केवल कितनी बार होगी? दो बार। ब्रेथ अनुक्रास में भी वर्ण की आवृत्ति होगी, लेकिन एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी, एक ही वर्ण की आवृत्ति। यदि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे मैंने बताया था रघुपति राघव राजा राम, राजा राम। हमारी परिभाषा की शर्त यही है कि वर्ण की आवृत्ति केवल कितनी बार हो? एक बार। यदि हम इस पंक्ति को देखते हैं तो र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, केवल र वर्ण की आवृत्ति, एक दो तीन चार बार। तो ये परिभाषा के आधार पर यदि हम इसकी तुलना करें, निष्कर्ष निकालें, तो ये उदाहरण वर्तानुप्रास का एकदम निर्धारित है। फिर हम आगे बात करते हैं श्रुतानुप्रास। श्रुत्या अनुप्रास, यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो जहां काव्य में या काव्य पंक्ति में उच्चारित वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही हो, यानी कहने का तात्पर्य है जो भी काव्य पंक्तियां हमारे मुंह से निकल रही है, मुख से निकलने वाली उन काव्य पंक्तियों का जो उच्चारण स्थान है वह एक ही होना चाहिए। जहां काव्य पंक्ति में उच्चारित वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही हो, यानी कहने का सीधा साधा अर्थ है कि जो काव्य पंक्ति के वर्ण हमारे मुख से निकल रहे हैं, मुख से निकलने वाले उन वर्णों का उच्चारण स्थान अर्थात हमारे मुख के कौन से भाग से निकल रहे हैं, दंते तालवे कंठस्थ, उच्चारण स्थान एक ही हो, बस श्रुत्यानुप्रास कहलाता है। श्रुत्यानुप्रास कहलाता है। और इसके लिए जो भी उदाहरण है हम उनको अपने मुख से बोलकर देख सकते हैं, हम अपने मुख से बोलकर देख सकते हैं। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखकर तुम्हारी नृत्य राई, या हम ये भी कह सकते हैं उदाहरण था दिनांक
था बिनान थे दीननाथ डूबते, दीननाथ डूबते। इस उदाहरण को यदि हम मुख से बोलकर देखें तो इस निष्कर्ष पर निकलेंगे या ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो पंक्ति है उस पंक्ति में जो निर्धारित या निश्चित उच्चारण है, वर्ण है, जब हम मुंह से निकालते हैं तो वो मुख के एक ही भाग से निकलते हैं। था दीनांत थे दीनानाथ डूबते। विद्यार्थी इस उदाहरण को बोलकर देख सकते हैं और यदि बोलने पर यह निश्चित हो जाता है कि सभी वर्ण मुख के एक ही भाग से निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से यह श्रुति अनुप्रास का उदाहरण है। नंबर चार अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जहां काव्य पंक्तियों के काव्य या पद के चरण, जहां काव्य या पद के अंत में समान वर्ण हो, समान वर्ण जो भी पंक्तियां दी गई है, जाहिर सी बात है समान वर्ण तो तभी होगा जब दो पंक्तियां होंगी। कहने का तात्पर्य दो चरण होंगे। हमने देखा इसमें एक एक चरण रघुपति राघव राधा राम था दीनांत दीनानाथ डूबते, लेकिन इसमें दो चरण होंगे और उन दोनों चरणों के अंत में समान वर्ण होंगे। यदि उदाहरण की हम बात करें तो अंत्यानुप्रास जहां काव्य या पद के चरण के अंत में समान वर्ण हो वह अंत्यानुप्रास कहलाता है। यदि उदाहरण की बात करें हम तो हमारा उदाहरण है काली काली अल्पों में आलस मदनत पलकों में। इसमें यदि समान वर्ण की बात करें तो हमारे पास समान वर्ण मै क ल, यानी समान वर्ण। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा, अनुप्रास की परिभाषा कि जहां एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनु अर्थात बार बार, प्रास वर्ण। आचार्य दंडी ने भी इसके बारे में कहा काव्य शोभाकरान अलंकारान पृच्छते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। फिर यदि इसके भेदों की बात करें तो अलंकार अनुप्रास अलंकार के चार भेद हैं, चेक अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। चारों भेदों के बारे में हम पढ़ने पढ़ा। अब मैं आप लोगों के सामने इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, उन उदाहरणों पर को आप ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उन उदाहरणों में से जो अनुप्रास के चारों भेद हैं उन भेदों को छांटिए। जो भी मैं उदाहरण लिखूंगा, हालांकि वो सभी उदाहरण पहले अनुप्रास के हैं और उसके बाद में यदि कहा जाए तो उसके भेदों को अलग किया जा सकता है। तो इसके उदाहरणों के बारे में जो इसके उदाहरण है
मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चार विद्यार्थियों, हमने अलंकार, उसकी परिभाषा, भेद आदि के बारे में जानकारी ली। जो चारों भेद है, क्षेत्रानुप्रास, वृत्तानुप्रास, सूक्तानुप्रास और अंत्यानुप्रास, सभी भेदों की परिभाषा के साथ साथ मैंने उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताया। और अब मैं आप लोगों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उन उदाहरणों में से जो अनुप्रास के भेद है उनको एक बार अलग करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये जो सातों उदाहरण है ये अनुप्रास के हैं, लेकिन यदि कहा जाए कि भेद छांट कर लिखिए तो आप लोगों को इन सातों उदाहरणों में से भेद छांट कर अलग करना है। आप प्रयास करें। पहला उदाहरण है, तुलसीदास सीधत निस्दिन देखत तुम्हारी मिठुराई। दूसरा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभ जल। तीसरा उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति दूर भगाई। चौथा उदाहरण है, विरति विवेक विमल विज्ञान। कई जगह विज्ञानी भी आते हैं तो कई जगह विज्ञान भी आता है। चौथा उदाहरण है, ये एक प्रसिद्ध कविता है, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो जांची वाली रानी। पांचवा उदाहरण है, सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। छठवां उदाहरण, भारत भारती मंजुल मराली। और सातवां उदाहरण, बाल बेली सुखी सुखद इही रूखे रूख धाम। तो इन सातों उदाहरणों को सबसे पहले तो आप अनुप्रास के उदाहरण माने, और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन सातों उदाहरणों में से अनुप्रास के जो भेद है उन्हें अलग अलग करने का प्रयास करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था अनुप्रास अलंकार। आशा है आप लोगों को इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे हम अगले वीडियो में अलंकारों में ही यमक और श्लेष के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने जो दूसरे मित्र या सहपाठी हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो भी इससे लाभ उठाएं और इस वीडियो को शेयर करें।